New Oxford Modern English Book, Class 8th. Why I Am Not a Painter, written by Frank O. Hara. I am not a painter. I am a poet. Why? I think I would rather be a painter, but I am not. Well, पहले हम इन चार लाइनों को लेते हैं. ये जो पोएम है उसको समझने से पहले ये समझना है कि इसमें दो कैरेक्टर्स को आपस में बात बोली गई है, उनके प्रोफेशन को आपस में कंपेयर किया गया है. उसमें से एक हैं आई यानी फ्रैंक ओ हारा, जो हमारे पोएट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है, और उनके एक दोस्त हैं जिनका नाम है माइक गोल्डबर्ग, जो कि एक बहुत फेमस पेंटर हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं. तो यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो सोच रहे हैं, आई एम नॉट अ पेंटर, मैं एक पेंटर नहीं हूँ. आई एम अ पोएट, मैं एक पोएट हूँ, क्यों मैं एक पेंटर क्यों नहीं हूँ. आई थिंक आई वुड रेदर बी अ पेंटर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक पेंटर रहा रहता तो काफ़ी अच्छा रहा रहता. बट आई एम नॉट, पर मैं नहीं हूँ. चलो वेल, कोई बात नहीं. For instance, Mike Goldberg is starting a painting. I drop in. For instance, यानी जैसे एक बार की बात है करके, जैसे हम चैप्टर्स में बोलते हैं, या सपोज करो, या उस वक्त एक ऐसा टाइम था जब Mike Goldberg मैंने पहले ही बता दिया है कि उनका एक दोस्त है जो बहुत अच्छा पेंटर है. वो एक अपने कैनवस पे बहुत सुंदर सी पेंटिंग स्टार्ट कर रहा था बनाना. आई ड्रॉप इन यानी अचानक ही जो हमारे फ्रैंक ओहारा हैं, जो हमारे पोएट हैं, वो उसके पास पहुंच गए, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो माइक गोल्डबर्ग और उसके बीच में ऐसा है कि वो उसकी वजह से वो डिस्टर्ब नहीं हुए, उनको अपने दोस्त का आना काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने बोला सिट डाउन, आओ बैठो, एंड हैव अ ड्रिंक, चलो हम एक ड्रिंक लेते हैं. ही सेज, ऐसा कहा माइक गोल्डबर्ग ने, आई ड्रिंक वी ड्रिंक, हम दोनों एक जैसे हैं. यहाँ पे एक पे कंपैरिजन और डिफरेंसेस को ठीक से बताया गया है कि वो भी, उसने भी ड्रिंक लिया, मैंने भी ड्रिंक लिया. आई लुक अप, फिर मैंने ऊपर देखा, यू हैव सर्डेंस इन इट, वो जो पेंटिंग बना रहे थे वो रुके नहीं, क्योंकि एकदम उनका फैमिलियर सा रिलेशन था. वो कैनवस पर अपनी पेंटिंग बनाते रहे. तो यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं फ्रैंक कुहारा, उन्होंने उनसे पूछा, क्या इसमें सैडिन से, सैडिन एक गोल्डबर्ग की बहुत अच्छी पेंटिंग है, उनका नाम है सैडिन्स, और एक टाइप ऑफ फिश होती है वो भी. तो वो चाहे वो बोल रहे हो कि इस पेंटिंग में क्या तुम फिश बना रहे हो, या सर्डिन जो अल्फ़ाबेट्स हैं SARDINES ये लिखने वाले हो, ऐसा उन्होंने पूछा उससे. Yes, it indeed something there. हाँ, ऐसा कुछ रहेगा इसमें. ये उनके फ्रेंड, जो उनके पेंटर फ्रेंड है, उनका जवाब था. Yes, it indeed something there. Oh, ऐसा कुछ रहेगा, मैंने कहा. Oh, I go. और इसके बाद मैं वहाँ से चला गया. And the days go by. और वक्त भी चलता रहा, आगे ज़िंदगी चलती रही, दिन आगे गुजरते रहे, टाइम आगे बढ़ता रहा. एंड आई ड्रॉप इन अगेन, और फिर मैं एक बार अचानक अपने उस दोस्त के यहाँ गया. द पेंटिंग इज़ गोइंग ऑन, पेंटिंग का काम जो उनको ने, जो पेंटर जो हैं वो बहुत अच्छी सुंदर कैनवस पे पेंटिंग बना रहे थे, वो काम अभी तक के चल रहा था, वो अभी तक के कम्प्लीट नहीं हुआ था. एंड आई गो, मैं फिर वहाँ गया. एंड द डेज़ गो बाय, और मैंने देखा उनके काम को, और फिर मैं वहाँ थोड़ी देर बैठा और चला गया, और फिर से वक्त जो है अपनी रफ्तार पकड़ लिया, लाइफ जो है वो आगे चलती रही. आई ड्रॉप इन, मैं फिर से एक बार उनके यहाँ गया. द पेंटिंग इज़ फिनिश्ड, उनका काम कंप्लीट हो चुका था. तो मैंने उस पेंटिंग का नाम था सैरडिन्स, मैंने पूछा अपने दोस्त से माइक गोल्डबर्ग से कि वेयर इज सैरडिन्स, आपकी ये जो पेंटिंग है उसमें सैरडिन्स कहाँ हैं. तो उन्होंने बोला बस यही है, ये ऑल दैट्स जस्ट लेफ्ट इज जस्ट लेटर्स, यही है वो, बस ये कुछ लेटर्स जो SAR यही बस रहे. इट वॉज टू मच,
माइक सीस, और यही बहुत है, ये मेरे दोस्त ने मुझे जवाब दिया। बट मी, अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, वन डे आई एम थिंकिंग ऑफ कलर। अब पोएट है, उनके भी दिमाग में अलग अलग कल्पनाएं आती है, अलग अलग इमेजिनेशंस आते हैं, उसके बेसिस पे वो कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फ्रैंक को हारा है, उनके दिमाग में भी एक दिन अचानक इमेजिन हुआ एक कलर का, दैट इज़ ऑरेंज। उस कलर का सोच के उन्होंने कुछ लाइनें लिखना स्टार्ट की। आई राइट ए लाइन अबाउट ऑरेंज, और फिर मैंने ये सोचा कि मैं ऑरेंज से रिलेटेड मैं एक बहुत सुंदर सी लाइन लिखता हूँ। प्रेटी सून, बहुत जल्दी, इट इज़ अ होल पेज ऑफ वर्ड्स। मैंने ऑरेंज से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स, उसके बारे में बहुत सारी बातें पूरा पेज भर के लिख लिया, न कि सिर्फ एक लाइन, न कि लाइंस, न कि कुछ लाइनें लिखी मैंने। देन अनदर पेज, फिर मैंने दूसरा पेज पलटाया और दूसरा पेज भी मैंने ऑरेंज के बारे में बहुत कुछ लिखा। देयर शुड बी सो मच मोर, इतना सब लिखा मैंने, बहुत कुछ लिखा। नॉट ऑफ ऑरेंज ऑफ वर्ड्स, सिर्फ नॉट ऑफ ऑरेंज यानी सिर्फ ऑरेंज के लिए नहीं, ऑफ वर्ड्स मैंने बहुत कुछ लिखा। ऑफ हाउ टेरेबल ऑरेंज इज एन लाइफ, मैंने लिखा ऑरेंज किस तरीके से मैंने उसको लाइफ से कनेक्ट कर लिया। ऑरेंज के बारे में लिखा, बहुत कुछ लिखा, लाइफ की, जिंदगी के कलर्स के बारे में बहुत कुछ लिख लिया मैंने। डेज गो बाय, दिन चले गए, वक्त आगे बढ़ रहा था। इट इज़ इवन इन प्रोज, अभी तक कि वो प्रोज में है। आई रियली पोएट, मैं एक पोएट, मैं भी सच में एक पोएट हूँ। माय पोएम इज़ फिनिश्ड, मेरा काम चलता रहा और आखिर मेरा काम भी ख़त्म हुआ। एंड आई हैवन्ट मेंशनड ऑरेंज येट, इट्स 12 पोएम्स, आई कॉल इट ऑरेंजेस। मैं ऑरेंज के बारे में लिखना स्टार्ट किया था, मैंने इतना लिखा कि 12 पोएम्स लिख ली मैंने ऑरेंज वर्ड सोच के, और मैंने उसका नाम रखा ऑरेंजेस। लेकिन उसमें एक भी जगह पे ऑरेंज वर्ड मैंने नहीं लिखा, यानी जो ORANGE है, दैट वर्ड इज़ नॉट मैंशनड देयर, वो वर्ड कहीं मैंशन नहीं है, पर मैंने ऑरेंजेस के बारे में लिखा, ऑरेंजेस लिखे, यानी ऑरेंजेस लिखा, यानी अपनी इमेजिनेशन को इस तरीके से घुमाया कि मैंने उस एक अक्षर को आसपास 12 पेज लिख दिए, 12 पोएम्स लिख दी। एंड वन डे इन अ गैलरी, और फिर एक दिन जब मैं जो मेरे दोस्त हैं माइक गोल्डबर्ग, उनकी पेंटिंग्स की गैलरी में रखा गया था, मैं वहाँ गया। आई सी माइक्स पेंटिंग, मैंने माइक की पेंटिंग को देखा, कॉल्ड सैरडिन्स, उनका उस पेंटिंग का नाम था सैरडिन्स, लेकिन उसमें सैरडिन जो थी वो कहीं नहीं थी। इट इज़ रिटन बाय फ्रैंक ओहारा, एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट द पोएट। फ्रैंक ओहारा जो हैं वो US में बड़े हुए, ही सर्व्ड ऑन द डिस्ट्रॉयर USS निकोलस में, उन्होंने इन द साउथ पैसिफिक में, और जापान ड्यूरिंग World War II, यहाँ उन्होंने काम किया। उन्होंने म्यूज़िक पढ़ा हॉवर्ड में, एंड बहुत अच्छे पियानो प्लेयर बने, एंड देन उनका इंटरेस्ट इंग्लिश की तरफ बहुत बढ़ गया, और उनकी छोटी सी लाइफ में उनको म्यूज़िक, पोइट्री, विजुअल आर्ट्स बहुत पसंद थे। हमारा ये जो पोएम है, हमारा ये जो है, उसमें यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं, ये बताया गया है कि ओहारा ह्यूमरसली डिस्क्राइब्ड हाउ ही वंस रोट अ पोएम लाइक ऑरेंजेस। वो बहुत अलग तरीके से बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पोएम ऑरेंजेस लिखी, जिसमें ऑरेंजेस का कोई लेना देना नहीं था, और उसने अपनी इसी आर्ट को कंपेयर किया अपने दोस्त माइक गोल्डबर्ग्स की क्रिएशन के साथ, जो है सैरडिन्स, जिसमें सैरडिन कहीं नहीं थे। तो ये जो था वो एक तरीके से एक आर्टिस्ट की आर्ट को बताना चाह रहे हैं कि चाहे वो पेंटर रहे, चाहे वो पोएट रहे, भले वो वर्ड कहीं नहीं हो पर उसका इमेजिनेशन इतना गहरा होता है कि भले वो वर्ड कहीं नहीं हो पर उसके बारे में वो बहुत कुछ लिखता है और बहुत प्यारा लिखता है, बिना लिखे उसमें सब कुछ समझा जा सकता है। अभी दिस वॉज इन पोएम्स के लिए जो वर्ड है, दैट इज़ इमेजिनेटिव रियलिज्म। द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1957। नाउ इन जुलाई 1966 में जो ओहारा हैं,
उनको कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ और लॉन्ग और इसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो उनकी लाइफ काफ़ी छोटी थी और उसमें उन्होंने ये काफ़ी ब्यूटीफुल वे से समझाया था कि कैसे पोएट्स, पेंटर्स, जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो कैसे इमेजिनेटिव होते हैं, कैसी उनकी इमेजिनेशन होती है कि बिना कुछ लिखे वो बहुत कुछ बता पाते हैं, न लिखा हो न मेंशन हो पर उसके बारे में ऐसा कुछ लिख लेते हैं कि हर कोई समझ जाता है। तो ये जो होता है दैट इज़ नोन एज द इमेजिनेटिव पावर ऑफ ए आर्टिस्ट।